हाँ जी, कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे और वीडियो का आनंद ले रहे होंगे, है ना। एंजॉय के साथ में पढ़ना है, ठीक है, बोर नहीं होना। और एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर पॉलिनोमियल हम करा चुके हैं और 2.3 की बात करेंगे। चलिए बिना देरी के क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि फाइंड द रिमाइंडर व्हेन x³ + 3x² + 3x + 1 इज डिवाइडेड बाय, इतने सारे दे रखे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सबसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर अलग अलग आएगा, कैसा भी आएगा वो आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 ले लिया मैंने। एक रिमाइंडर थ्योरम कहती है, सॉरी, x+1 से डिवाइड कर रहे हैं तो x+1 को ना हम 0 के बराबर रखेंगे, क्योंकि एक फैक्टर होगा, डिवाइड करेंगे तो अगर 0 आएगा तो फैक्टर होगा, नहीं तो उसको डिवाइड करके देख लेते हैं। रिमाइंडर पूछा है जब इसको 0 को बराबर रखा ना, x को उधर भेजेंगे, जब x को उधर भेजा गया तो माइनस में आया, क्योंकि ट्रांसफ़र होता है तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस होता है। नाउ x के प्लेस पर माइनस में रख दिया, और आपने देखा जब पावर ऑड में हो तो माइनस में आता है, पावर इवन में हो तो प्लस में आता है। दिस इज या 1 होगा तो मतलब माइनस में आएगा 3, चाहो तो इसको विदा कर सकते हो, राइट। आपका आंसर आ गया 0। तो वेरी सिंपल, वी कंक्लूड दैट ऑन डिवाइडिंग द पॉलीनोमियल x³ + 3x² + 3x + 1 / x + 1 वी विल गेट रिमाइंडर 0। इट मीन्स दैट इसका रिमाइंडर 0। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, वैसे तो सभी एक जैसे ही हैं, कि अगर x+y से डिवाइड करते हैं तो क्या मिलता है हमको, रिमाइंडर में क्या मिलेगा ये देख लीजिए। जब 0 को बराबर रखा तो ट्रांसफ़र किया, माइनस का पाई हो गया। वही वेरी सिंपल कि x के प्लेस पर माइनस का पाई रखा मैंने, और जब रखा तो मुझे कुछ नहीं मिला, सिर्फ पाई के टर्म में मिल गया। तो हाँ, हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ रिमाइंडर ऑफ द गिवन पॉलीनोमियल। जब डिवाइड करते हैं कि इफ़ यू डिवाइड द x³ + 3x² + 3x + 1 / x + y यू विल गेट रिमाइंडर माइनस पाई क्यू प्लस 3π² - 3π + 1। इतना बड़ा रिमाइंडर बचेगा। चलिए, क्योंकि पाई के टर्म में था इसलिए पाई भी लगा दी कर, इफ़ यू एट द वैल्यू ऑफ पाई 22/7 यू विल गेट वैल्यू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करें, उससे पहले एक डिवाइडर देख लेते हैं, क्योंकि बच्चे को कहना था कि सर ऐसे भी तो डिवाइड कर सकते हैं। हाँ भाई, डिवाइड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। x+1 का इसमें डिवाइड करना था, सबसे पहले मुझे ये टर्म काटना होता है, तो मैंने x² लिया, इसे जब डिवाइड करूँगा 3 times तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे तब पता चलेगा नीचे क्या आना है। तो x में और x² का मल्टीप्लाई करूँगा x³ आएगा, इधर ये x² हो जाएगा। बट जब ये सेम साइन होती है तो यहाँ साइन चेंज होंगे तब ही कटेगा ये, और ये माइनस का हो गया, यहाँ से 2x बचा, सेम यहाँ पे उतार लिया। मुझे ये काटना है तो इसलिए 2x का मल्टीप्लाई किया इसमें, क्योंकि 2x² मिल जाएगा मुझे यहाँ पे, और फ्री कट जाएगा। आगे वाला देखा तो 2x मिल गया, माइनस किया क्योंकि सेम साइन था माइनस, अब कटेगा, पहले नहीं कट सकता था। अब यहाँ से जब सब्ट्रैक्ट किया इसको तो x बचेगा, 1 यहाँ था, मुझे x काटना है यहाँ पे, x है तो 1 लिखा क्योंकि x आ जाएगा, तो 1 से मल्टीप्लाई करने पर x+1 आया और रिमाइंडर वही आ गया जो पहले हमने दिखाया था आपको इसको 0 रखने के बाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन द a³ - ax² + 6x - a इज डिवाइडेड बाई x - a। वेरी सिंपल, वी नीड टू फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल x - 1। तो करना क्या था, इसको जीरोस फाइंड करते हैं। कैसे, कि जब x को उधर भेजा मैंने, x तो यही था, a को उधर भेजा, ट्रांसफ़र किया तो माइनस का प्लस हो गया, और ये वैल्यू ना, a की वैल्यू इस पॉलीनोमियल में मैंने रखी x के प्लेस पर, क्योंकि x = a है ना, this one and this one, यू नो वेरी वेल, ये a क्यू है, ये भी a क्यू हो गया, ये 6a और ये a, 6 से जब a जाएगा तो 5 बचेगा और ये आपस में विदा हो जाएंगे, देन यू विल गेट द रिमाइंडर 5a। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ा लीजिए, लास्ट क्वेश्चन बात कर रहे थे। 3 है कि चेक करना है आपको कि क्या ये इसका फैक्टर है, 7 + 3x फैक्टर है 3x³ + 7x का, देख लेते हैं। हम जानते हैं जब ये फैक्टर होगा ना तो इसको 0 के बराबर रखना है और जो वैल्यू आएगी ना उसको पुट कर देना है इसमें। वही किया मैंने कि ये 7 + 3x 0 के बराबर रखा, 7 को उधर ट्रांसफ़र किया तो माइनस में हो गया क्योंकि प्लस का था, डिवाइड किया तो -3 - 7/3, ये आपका एक x की वैल्यू आ गई जो मैं कहाँ रखनी थी, पॉलीनोमियल में। इसमें अगर ये
फैक्टर होगा तो जीरो आएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा। चलो देख लेते हैं, ये वैल्यू लगाई मैंने, इसको फैक्टर किया, यू नो 7 × 7 × 7 343 होता है, एक बार मल्टीप्लाई करके खुद आप चेक कर लीजिएगा उसको। और 3 है हमारा, यहाँ से 3 से काट दिया, ये 3 से भी काटना चाहो तो काट सकते हो आप, 7 × 7 = 49/3। इसको कैलकुलेट करेंगे आप तो आई थिंक कितना आएगा, एक बार देख चेक कर लेना आप एक बार मल्टीप्लाई करके, कि 9। और वेरी सिंपल आप कह सकते हो कि इट इज़ नॉट इक्वल टू 0, और जब इक्वल टू 0 नहीं है ना तो वेरी सिंपल कि ये हमारा फैक्टर नहीं है। चलिए आई होप वीडियो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, कमेंट करना ना भूलें अगर आपको अच्छा लगा है तो, और शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।